नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल जॉब स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर। दोस्तों ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आई थी 2020 की ही है वैकेंसी थी और 2021 में इसकी एग्ज़ाम हुई है। और आप लोग को पता होगा एक साल के करीब के जो है बाद यहाँ पे आप लोग को ये अब जो है दिसंबर महीने में 6 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट घोषित हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कांस्टेबल की रिजल्ट आउट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है रिजल्ट देख सकते हो। कैसे और कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। ये कांस्टेबल जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो वैकेंसी उसकी रिजल्ट है बहुत बड़ी खुशखबरी है उन कैंडिडेटों के लिए जो एग्ज़ाम दे के काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। साथ में हम बात करेंगे कटअप के ऊपर की कटअप कितनी गई होगी और जो है इतना कैसे हो सकता है। मैंने जो कटअप तो देख ही लिया है, आप लोग को भी मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो। और दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, सभी चीज़ें आपको जो है प्रॉपर इसमें जानकारी मिलने वाली है। बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किए हैं, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं तमाम जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है उसके तरफ से ये रिक्रूटमेंट जो आई थी 5/2020 की, तो उसी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 8415। आप लोग ने जरूर जो है चेक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। देखिए इसमें सभी कुछ जानकारी है और ये जो है 14 मार्च 2021 को ही एग्ज़ाम हुआ था, मार्च महीने में रविवार को। और दूसरा जो है यहाँ पर दिन 21 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो है पहले दिन वाले में 6,30,524 कैंडिडेट जो है वह पहुंचे थे, उनका एग्ज़ाम हुआ। और दूसरे शिफ्ट में जो है 21 मार्च 2021 वाले में रविवार को जो है वह 5,13,906 अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दिया। उसमें कहा गया कि लिखित परीक्षा टोटल जो है 10,20,471 अभ्यर्थियों ने शामिल हुआ है। और बहुत सारे जो है कैंडिडेट करीब जो है 550 के आसपास जो है कैंडिडेट कदाचार के जो है वह आरोप में जो है वह घोषित हो चुके हैं। तो उनमें से जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का यहाँ पे जो है विवरण दिया गया है, कि कहा गया कि अभ्यर्थियों का जो है करीब 10,19,933 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का जो मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका OMS सीट जो है वह ख़राब हो चुका था, उनको छांट दिया गया है। अब जितने रिक्त पदें हैं करीब जो है वह 8,500 के करीब जो रिक्त पद हैं उनके 5 गुना, यानी कि करीब जो है 40,000 ऐसे उम्मीदवार हैं वह कैंडिडेटों को जो है यहाँ पे वह PET के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। यहाँ पे PET यानी कि जो है यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है उसका मतलब हो गया, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी थी सभी में जो है देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट जो है वो किस क्षेत्र में थे तो उनके लिए यहाँ पे है, और कितने कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुए हैं ये सभी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस आप लोग को ये हमें बताने का जो है थोड़ी सी प्रयास कर रहा हूँ। ये वाले जो है कॉलम आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा, जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी की उनके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो वैकेंसी है वह किस पोस्ट के लिए कितनी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है वो चीज़ यहाँ है। टोटल देख सकते हैं 40,117 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया है 5 गुने करके, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें थी, मैं आपको कटअप भी बताऊंगा, बस आप लोग को वीडियो में बने रहना। अब देखिए नीचे जब आइएगा आप तो यहाँ पे आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा इसकी जो है रिजल्ट। अब रिजल्ट आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आपको चेक करना है, तो देखिए जैसे टैप कीजिए तो ऊपर जो यहाँ पर वह ये देख सकते हैं एक लेंस की तरह बना हुआ, उस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है, और जो भी आपका जो रोल नंबर होगा ठीक है तो वो आपको टाइप कर देना जो भी आपका होगा, ठीक है। तो वो आपको टाइप करके और चेक कर लेना कि आपका जो है रिजल्ट हुआ है या नहीं। अगर इस तरह से आप चेक करते हैं सर्च और तो इस तरह से नो मैच फाउंड लिखता है तो समझिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। अगर इस तरह से जो है मिलता है, ठीक है, ऐसे जो है मिलता है अगर आपका कोई भी, तो समझिए आपका रिजल्ट हो चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने तो ये बता दिया, अब थोड़ी सी आपको जो है कटअप के ऊपर मैं बात कर लूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले कटअप के ऊपर ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसकी ऑफिशियल जो रिजल्ट दी गई है उसमें जो है वह रिजल्ट के कटअप के ऊपर कोई सी तरह की कोई चर्चा नहीं कही गई है। लेकिन क्वेश्चन इस बार का जो है 2021 की जो वैकेंसी थी 5/2020 की, तो उसका जो काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर गौर किया होगा। तो प्रॉपर मैं इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, पहले वाले, और दूसरे वाले जो है फीमेल के लिए, तो आप लोग को प्रॉपर जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ये जनरल की अगर बात कर ले तो जनरल की जो है वह जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें
यहाँ पे 72 मार्क्स जो है वो उनका जो है करीब गया होगा, जो 72 नंबर पे इनका कट ऑफ गया होगा ये मैं बता रहा हूँ। अगर फीमेल की बात करें तो 46 से जो है 50, यानी कि 50 से जो है 46 के बीच में ही इनका कट ऑफ रहा होगा, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। साथ में जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो OBC कैंडिडेट है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे उनके लिए जो है, माफ़ कीजिएगा, BC क्लास जो है उनकी बता रहा हूँ, 69 से 71 जो इनका मार्क्स गया हो सकता है। और फीमेल में इसी तरह से जो अगर देखा जाए जो बैकवर्ड क्लास उनकी 40 से 45 के अप्रॉक्स इनकी जो है वह कटअप की जो है चांस बन रही है। उसी तरह अगर EBC की बात कर ले तो EBC में जो है भी यहाँ पे 71 से लेकर जो 72 मेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो है वह कटअप गया होगा। अगर फीमेल की बात करें तो उनमें भी यहाँ पर जो है वह 38 से लेकर 43 नंबर तक इनका जो है कटअप गया हो सकता है। वहीं पर अगर दोस्तों SC की बात करें तो SC में जो है वह मेल कैंडिडेट का 58 से लेकर जो 61 के बीच में होगा, ये जो है हमें अनुमान जो हम लगाते हैं उसके आधार पे बता रहे हैं। और 32 से लेकर 36 के अप्रॉक्स में फीमेल कैंडिडेट का जो है SC में गया होगा। और ST की बात करें तो ST में जो है मेल कैंडिडेट का 50 से 54 मार्क्स होगा, और फीमेल की बात करें तो 29 से लेकर 33 के बीच में बात कर ले। वहीं पर दोस्तों मैंने EWS का यहाँ पर मैंसन नहीं किया, लेकिन मैं बता दूँ EWS का जो भी यहाँ पर मार्क्स होगा वो मैं आपको बता दूँ, करीब जो है 8 से 10 नंबर का जो है डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर जो 72 से 75 के बीच अगर होगी तो फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे मैं बता दूँ जो 67 प्लस यहाँ पे इनकी कटअप हो सकती है, ये अनुमान जो है लगाया जा रहा है। मैंने अपने अनुभव पे बताया है क्योंकि इसकी जो है वो ऑफिशियली जो कटअप होती है कॉन्स्टेबल की कभी नहीं जारी होती है, मैं जो है अनुमान के तौर पर आपको जो है बता दिया हूँ। और मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये एक्सपेक्टेड कटअप है, कोई जो है ओरिजिनल नहीं है। मैं बहुत जल्द जो है यहाँ पर वह RTI देने वाला हूँ, उसके आधार पे मुझे पता ये चल जाएगी कि क्या कितनी जो है कांस्टेबल की कटअप गई है और मेरी मार्क्स कितनी आई थी। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे चल के किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।